नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुआ विंध्य की अब तक की चार बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुआ विंध्य की अब तक की चार बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 7, 8 एवं 9 में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होकर श्रमदान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आमजनों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी जुड़े और अपने घर, मोहल्ले एवं शहर को साफ सुथरा बनाने में सहभागी बने। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनबड़ी, सामाजिक संगठन के लोग, नगर निगम अमला सहित सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। आइए सुनते हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 17 सितंबर से मोदी जी के जन्मदिन से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये जो स्वच्छता का अभियान है, ये एक संदेश है आम नागरिकों को कि हमें कचरे को डस्टबिन में ही डालना है। जो नगर निगम की गाड़ियां आती हैं घर घर से कचरा उठाने के लिए, उनको ही देना है, ना सड़क में फेंकना है और ना नालियों में डालना है। जिससे कि स्वच्छता रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी, और जब अस्पतालों में भीड़ कम होगी तो इलाज की गुणवत्ता, जो व्यवस्थाएं भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, फिर वो समुचित तरीके से आम नागरिकों की सेवा कर सकेगी। इसलिए हम लोगों ने जड़ पर जाकर और सुधार के काम को हाथ में लिया है, और स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़े में आप देखिए कि सारे लोग एक संदेश दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आम नागरिकों को, कि आप भी इस प्रकार से अपने घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, और वो जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके, और नगर निगम की जो गाड़ियां आती हैं सवेरे संगीत बजाते हुए कि कचरा हमको दीजिए, उनको हम कचरा सौंपे। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बता दें कि कोलगवा थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार दोपहर हुए एक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे ड्राइवर को पकड़कर पब्लिक ने उसकी पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक कोलगवा कोतवाली अंतर्गत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में अंबे ट्रेवल्स की बस नंबर MP19P2856 के पहियों तले कुचल जाने से एक बुजुर्ग राहगीर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि बस ड्राइवर संदीप शुक्ला, पिता मोहन लाल शुक्ला, निवासी ग्राम बढ़ा देवेंद्र नगर जिला पन्ना, बस को रिवर्स कर रहा था। उसके साथ क्लीनर अथवा कोई अन्य सहयोगी भी नहीं था। उसी वक्त वहां से बुजुर्ग राहगीर गुजर रहा था। बस का धक्का लगने से बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़ा और बस के पहिए उसके सिर के ऊपर से गुजर गए। बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर वहां से भाग निकला, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर लिया और एक गोदाम के अंदर से पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर कोलगवा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि शहडोल से आ रही है। बता दें कि पड़रिया मार्ग पर पोंडा नाला के समीप बना बड़ा गड्ढा अब राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। अंडर ब्रिज पार करते ही मोड़ पर बड़ा गड्ढा होने से वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को 2 वाहन मौके पर घटना का शिकार हुए। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन समेत जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है। इसके बाद भी बड़े बड़े गड्ढे को भरने के कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। शनिवार को शहडोल से पठरा जा रहे नेम सिंह राठौर अपनी पत्नी सुनीता को लेकर शहडोल आ रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक को साइड देते समय उनकी बाइक बीच सड़क पर बने गड्ढे में जा घुसी। वो अपनी पत्नी समेत ट्रक के सामने जा गिरे। दोनों वाहनों की गति धीमी थी, इस कारण कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। शहडोल से पड़रिया जाने वाले इस हाईवे में एक ओर जहां भारी वाहन गुजरते हैं, वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले के दर्जनों गांव इसी मार्ग के सहारे शहडोल से जुड़ते हैं। सिंहपुर निवासी दीपेश तिवारी ने बताया कि हर दिन सुबह इसी मार्ग से स्कूल वैन गुजरती है। बड़ा गड्ढा होने के कारण किसी भी दिन स्कूली वाहन के पलटने का खतरा बना रहता है। इस संबंध में कई बार हम लोगों ने MPRDC के अधिकारियों से बात की है, लेकिन उनका कहना है कि रेलवे का अधिकार क्षेत्र होने के कारण वो प्रभावित स्थल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जयसिंह नगर विधायक
विधायक मनीषा सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन और रेलवे विभाग के अधिकारियों से बात करके जल्द इस समस्या का निराकरण करवाएंगे। गड्ढा होने से वाकई राहगीरों को परेशानी हो रही है, मैं जल्द इसको भरने के निर्देश जारी करती हूँ। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी सी आ रही। बता दें कि जिले के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान का आरंभ कर दिया गया है, जिसमें राजनेता, शासकीय कर्मचारी और आम जनता भी सहभागिता निभा रही है। अभियान में कई ग्राम पंचायतों में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ने साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया है। अभियान के तहत शनिवार को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम पंचायत झलवार, मनकीसर, अमिलई, गोपालपुर आदि में साफ सफाई की गई है, जिसमें स्वयंसेवी संगठन और कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी मौजूद रही। वहीं जनपद पंचायत सीईओ राजीव तिवारी ने बताया कि हम चाहते हैं कि हर कोई गाँव में साफ सफाई करे ताकि हमारा गाँव स्वच्छ रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।